अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे, अल्लाह का शुक्र। मैं अभी आपका भैया तो आपकी दुआ से ठीक ठाक फिट फाट मोटा ताज़ा। अभी जो है उठ गए, नहा धो लिया, फ्रेश हो गए, क्रीम श्रीम लगा लिए। कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर बता दें। आज है जुम्मा, मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक हो, और आप भी कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद दे दिया करें। कुछ नहीं होता, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये यकीन करें आपका अंगूठा दर्द नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इंशाल्लाह आपको इसकी शफा भी मिल सकती है अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे ना, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि मैं आपकी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, रोज़ बरोज़ मेरा जज्बा बढ़ता रहेगा। लाइक से कुछ नहीं होता, यकीन माने। सिर्फ लाइक इसलिए मांगते हैं कि चलो यार, एक ना बंदे को खुशी होती है कि भाई इतने लोग आपकी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को बस लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। और अभी जो है नाश्ता आ रहा है, नाश्ते में क्या है दिखाते हैं, फिर रूटीन के मामला शुरू करेंगे। कैसे आज क्या काम करना है, कहाँ से शुरू होना है, कैसे कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है, नाश्ते के बाद पता चलेगा। नाश्ता आ गया जनाब, चने दही साथ में रोटी, मैं अभी नाश्ता करूँगा फिर चलते हैं दुकान पर। दुकान पर आए थे, छोटे मोटे काम थे, मैं वो करने चला गया था, बाद में नमाज का टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज पढ़ा हूँ, भाई सब गए हुए हैं। सामान ये बर्नल देख रहे हैं, सबसे पहले ना इसका चूल्हा बनाना है, ये वाला पुराना एंगल जो है इस बर्नल के साइज़ का ना, एक फ्रेम बना के चूल्हा बना के देंगे जिसके ऊपर तेल या पतीला रख के गर्म कर सकें। ये हमारा शादी हाल है ना, तो वो फूड वाले सील करके गए थे, इसलिए उन्होंने मेरे घर से कहा है कि भाई चूल्हा बनवा रहे हैं, क्योंकि चूल्हा जो है ना पहले बना के देना, उसके बाद काम और करना जी। ये जो फ्रेम बनाना था ना मैंने बना लिया, आपको चूल्हा इसके अंदर रख के दिखाते हैं। और पैप पहले बनना है, ऐ पैप वाली साइड ने पिछले वाड़ बच्चे एंड ये गरम था गरम, ये चेक करो जी। अभी इसके ऊपर जो है देग वगैरह रख के पानी गरम करने के लिए ना, यानी कि सालन वगैरह जो आता है शादी हाल में, ये ना शादी हाल में, तो वो गरम करने के लिए पहले ईंटे रखते थे, अभी ये चूल्हा बन गया, लोहे का मजबूत काम हो गया, तो ये इनको दे देते हैं। फंक्शन उनका लगा हुआ, ये पुराने चुराने आपको नजर आ रहे होंगे, चेक करें ज़रा सारा जो है ना। अभी आज पके मुर्गा गर्म होगा इसके ऊपर। अभी जो हमने जाना है स्टील के जो दरवाजे बनाए हैं ना, इनकी फिटिंग करने के लिए जाना है, तो वो निकलेंगे शाम के टाइम, अभी टाइम है दुकान पर ही है, देखते हैं। लाइट जाने वाली, वैसे भी सवा दिन लाइट चली जाती है, तो अभी थोड़ी जाएंगे, लाइट आएगी तो फिर जाएंगे। तो जब भी मैं दुकान पर काम कर रहा था, फिर चेक कर देना इधर टैंकी के अंदर घुसा हूँ इस टाइम। यहाँ पर मसला क्या है, ये देखिए ये दरार नजर आ रही है, यहाँ से ना सलाब जाती थी नीचे, मतलब नमी चली जाती थी, तो इसको भी ठीक करना है, सीमेंट लगाना है इसके ऊपर थोड़ा सा। अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी मैंने पहले निकाला आके, तो इसको लगा के ना सीमेंट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है ना टैंकी के अंदर था, ये एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, ये पूरी पूरी दरार जो है ना पड़ी हुई है इसके अंदर, ये चेक करें, ये बिल्कुल मेरे हाथ की साफ साफ लाइन जो बनी हुई है ना, पानी आपको मतलब रास्ता बना लेता है। अड़ा ये पानी लेके आया, ये सीमेंट लेके आया, शादी इसकी है ना, मतलब शादी कराना भाई सौ का काम तो नहीं है, फिर काम तो करना पड़ता है ना, मेरी इस वक्त हेल्प करा रहा है, तो अभी जो है मुझे सीमेंट लगाते हैं, मिक्स करते हैं, ये वाइट सीमेंट में लेके आया हूँ, इस तरह जैसे फिल्म करते हैं ना, पटीन लगाते हैं, वो सिस्टम इसके साथ करना है हमने। सीमेंट मैंने लगा लिया सारा, मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ, हालत चेक करें, पसीने के साथ बहुत बुरा हाल हो गया। चेक करो जना, इस तरफ ये लगाया, ये पतला पतला इसलिए लगाया ताकि मेन मतलब छोटी छोटी भी दर्जियों जो होंगी ना वो भी बंद हो जाएंगी। इस तरफ ये सारा लगा दिया, ठीक है, लाइन थी छोटी सी साइडों पर, मैंने इसलिए बुलाया ताकि कोई भी मसान वगैरह होगा ना, तो बाकी सारी टैंकी जो है ना अलहमदुल्ला ठीक है, यहाँ पर भी इतना मसला नहीं था। तो नीचे जाके जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ सारा, और भी पेंट वाला काम जो है ना, पेंट का काम जो है यहाँ तक पहुँच गया कि ये दीवार फिलिंग हो गई है डबल, ये भी कर रहे हैं, ये भी फिलिंग हो चुकी है, ये दीवार जो है ना इसका पुराना पेंट अभी उतारा जा रहा है, ठीक है, ये सारा पुराना पेंट उतर जाएगा, पुराने पेंट के ऊपर लगाए जाएंगे ना, तो काम खराब हो जाएगा। मैं जना टैंकी को सीमेंट वगैरह लगा के अभी दुकान पे गया, तो दुकान बंद करके घर आ गया हूँ, आके फ्रेश हो गया, नहाए धोए, वहाँ पे ना गर्मी के साथ हालत मेरी बहुत टाइट हो गई थी, इस वजह से वो काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो अभी जो है मैं भी खाना खाऊंगा, आज हमारे घर आलू गोभी का सालन बना हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।